जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जय श्री पवार और आज हम बनाएंगे वेज पुलाव, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इसमें हम डालेंगे ढेर सारी सब्जियाँ, तो ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और इसे हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते, इसलिए ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कटोरी नाप के चावल लिए और ये पुराना वाला चावल है, ओल्ड ग्रेन किया हुआ। इसको ना हम पानी में भिगोने के लिए 20 से 30 मिनट तक रखेंगे। अच्छे से धोकर साफ पानी डालकर इसे, और फिर हम पुलाव के लिए सब्जियों को काट देंगे। अब मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है और ये खड़े मसाले लिए मैंने हमारे पुलाव के लिए। एक काला मिरा है जो मैंने सात आठ लिए है। एक बड़ी इलायची लिए, हरी इलायची दो लिए, ये दालचीनी लिए एक टुकड़ा, शाही जीरा थोड़ा सा, लौंग लिए मैंने तीन चार तेज पत्ता। अभी हम इसका ऑयल छोड़ने के लिए सारे मसाले ऐसे भुनेंगे इसमें थोड़ी देर के लिए, ताकि मसाले अपना ऑयल छोड़े। फिर डालेंगे हम इसमें ऑयल। इस तरह से करें तो ये सारे मसाले अपना फ्लेवर उभर कर बाहर लाते हैं और हमारा पुलाव ये बहुत टेस्टी बनेगा। अब मैं मिला दूंगी इसमें थोड़ा ऑयल, अच्छे से भून गए ना हो इसलिए। और अब हम इसमें मिलाएंगे हमने जो सब्जियां काट लिए वो। ये मैंने बीन्स लिए है लंबे लंबे काट के, एक गोभी लिए, गाजर, प्याज, पनीर, आलू और आधा नींबू का रस जूस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये फ्रोजन मटर लिए है मैंने, मैं इसमें अभी पानी डाल दूंगी और इन सबको हम इसी में मिलाते जाएंगे। इसे ज्यादा नहीं पकाना है हमें। अब हमारे मसाले भी अच्छे से भून गए, अभी इसी में हम मिलाएंगे। सबसे पहले प्याज को मिलाऊंगी मैं, अपना इतनी सारी सब्जियां ना हो या इससे दूसरी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो उसका भी। ये मेरे पास थी इसलिए मैंने ले ली। और जो आप इसमें से पसंद नहीं करते हो और दूसरी पसंद करते हो वो भी आप इसमें मिला सकते हो। अब मिलाएंगे हम इसमें आलू, फटाफट से भूनेंगे और इसको मिलाते जाएंगे बिल्कुल। थोड़ी सी जगह करेंगे और फिर हम इसमें साइड में हम पनीर को भी फ्राई करेंगे अच्छे से दूसरी और, इसलिए हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारा पनीर भी फ्राई हो जाएगा। आप ज़्यादा पनीर को फ्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कच्चा रखना चाहे तो रख सकते हो, आपके चॉइस। अब इसी में साइड से मैं और गोभी भी मिला दूंगी, बीन्स को भी डाल देंगे हम और गाजर को भी। अभी हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लूंगी मैं प्लेट में। देखो कितना, आपको मुझे इतना पसंद है इसलिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप कम फ्राई करना चाहते हो तो कर लेना। अलग से फ्राई करना की कोई जरूरत नहीं होती है, इसी में हम साइड साइड से कर सकते हैं। और अभी सब्जी के साथ हम फिर से जगह करेंगे थोड़ी सी और इसमें मैं डालूंगी अभी एक दो चार रेड मिर्च, ताकि थोड़ा सा तीखापन भी आ जाए हमारे पुलाव में। इसको भी फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, सबको अच्छे से फ्राई करेंगे और बीच में जगह कर करके
हमारी सब्जियां भी अच्छे से पक रही है साइड से, इसे ज्यादा नहीं पकाना है, चावल के साथ भी पकाना है। और आप हम देखेंगे हमारे चावल को भी अच्छे से फूल चुके हैं बिल्कुल। अब हम इसका पानी, मैंने दो चार पानी से अच्छे से साफ करके इसे भिगोने के लिए रख दिया था, अब इसका पानी हम निकाल देंगे। बस पानी निकालना है इसका। और ये मटर भी हम इसी में मिलाएंगे अभी, इसको ज्यादा नहीं पकाना है हमें। और आपने पुलाव बनाते समय जितनी सब्जियां होगी ना, मतलब आपने 250 ग्राम सब्जी का इस्तेमाल किया है तो 250 ग्राम चावल लेना, ताकि वो सब्जियां और दोनों अच्छे से बराबर हिसाब से आएंगे। अभी हम इसमें चावल मिलाएंगे। इसको मैंने पूरा सोख नहीं किया है, बस पानी निकाल दिया है। और अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ, और फिर पानी डालकर पकाने के लिए रख देंगे। बस चलाते रहना, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। और जब तक इसमें पानी थोड़ा भी नहीं बचना चाहिए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और इसी में ना आप बटर पसंद करते हो तो अभी मिला देना, ताकि इसमें अच्छे सा फ्लेवर उसका उभर कर आएगा और पुलाव हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। या देसी घी मिलाना, मैं इसमें देसी घी मिलाऊंगी। अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, पूरा सोख गया है। अभी हम इसमें मिलाएंगे देसी घी, दो चम्मच डालूंगी मैं इसमें, ताकि बहुत अच्छे से, और ये घर का बना देसी घी है, बहुत टेस्टी होता है। और आप पनीर भी इसी में डाल देंगे। और ये नींबू का रस है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर, और ये बिल्कुल चिपकने नहीं देता चावल को। और डालेंगे हम इसमें नमक, नमक सही मात्रा में डालना, बाद में चावल में नमक मिला नहीं मिला सकते ना इसीलिए, और बिना नमक का स्वाद नहीं आता अच्छे से। और जितना हमने चावल लिए ना, उसी नाप से हम पानी डालेंगे इसमें। हमने एक कटोरी चावल लिया था तो इसलिए मैं दो कटोरी पानी डेढ़ कटोरी पानी मिलाने वाली हूँ इसमें बस। और इसे मीडियम गैस पर हम अभी ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट तक हम इसे बिल्कुल नहीं खोलेंगे, लेकिन बिल्कुल कम आंच पर रखना। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा पुलाव बिल्कुल अच्छे से। अभी हम इसको नमक को मिला देंगे इसमें बस, और इसको पुलाव को ज्यादा हिला नहीं सकते हम, इसीलिए ज्यादा नहीं हमें इसको, बस नमक मिला देना है। और इसे बंद कर कर 10 मिनट कम आंच पर रखना है बस। अभी इसको कम आंच पर 10 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल। देखो कितना अच्छे से खिल के आया है हमारा चावल पूरा, और बहुत सुंदर दिख रहा है। आपको 10 मिनट के बाद मिलेगा ऐसा, लेकिन इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है अभी, बस पेशेंस रखो। और इसको गैस को हम बंद करके 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, ताकि वो अपने आप अच्छे से स्टीम हो जाए पूरा राइस और खिल के बाहर आ जाए। तो फिर हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते, अभी इतना पे वेट किया है और 15 मिनट के लिए वेट करते। अभी हमारा पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया है, अब हम इसका ढक्कन निकालेंगे। और देखो कितना अच्छा, बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है इसमें से, और देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, और खिले खिले चावल बने हमारे, देखो बिल्कुल दाने दाना दिख रहा है। और इसी से हम फॉक से ही इसे खिला खिला कर देंगे, इसको हम बड़े
स्पून नहीं डालना है ताकि ये चावल टूट जाते हैं। बिल्कुल एक दाना भी नहीं तोड़ना हमें, और आसानी से इसको ऐसे नीचे से ऊपर लाएंगे हम। देखो बीच में से कोई पानी भी नहीं रहा इसमें, बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छा बना है हमारा। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। है ना कितना आसान घर पर बनाना वेज पुलाव, और वो भी रेस्टोरेंट जैसा भी। चला हम इसकी प्लेटिंग करते। बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो हमारे खिले खिले चावल बिल्कुल रेडी है। और हमने सब खिला खिला कर दिया है, अब हम इसको ऐसे उठा सकते हैं बिल्कुल। और सब्जियां भी बहुत ज्यादा कुक नहीं हुई है, बिल्कुल जितनी चाहिए हमें उसी हिसाब से हुआ है पूरा। बस हो गया हमारा। इसको आप ना ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत सुंदर दिखता है और खाने में भी बहुत लाजवाब है और बिल्कुल खिला खिला है। और ये इस तरह से बने ना तभी वो लगता है कि ये पुलाव ही है, दाल चावल नहीं। और आपको ना इतने आसान तरीके से इसकी आदत हो जाएगी बनाने की, जैसे आप दाल चावल डालते हो वैसे डाल दोगे और घर पर ही अच्छे से पुलाव बन जाएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना। और हम फिर मिलेंगे मेरे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।